So the next topic which we are covering is section 12, complain before the district forum and state commission. Please guys, settle down fast. आप लोग को इधर उधर होना था तो पहले से बैठ जाते हैं. चले, कंप्लेन बिफोर द डिस्ट्रिक्ट फोरम एंड स्टेट कमीशन. दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज इसे इंपॉर्टेंट मार्क करेगा आपके इसमें. कंप्लेन बिफोर डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट फोरम. हाँ जी, देखते हैं. जब आप बात कर रहे थे कंप्लेन की, बेटा कल आपको याद है मैंने लास्ट डिस्कशन किया था कि स्टेट कमीशन क्या होता है, नेशनल कमीशन क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या होता है. मैंने पिक्यूनरी लिमिट बताए थे 20 लाख तक, 20 लाख से 1 करोड़ और 1 करोड़ से ऊपर, ये सारे लिमिट सेट किए थे. नाउ कमिंग डाउन टू कंप्लेन, सेक्शन 12 प्रोवाइड दैट अ कंप्लेन इन रिलेशन टू एनी गुड्स सोल्ड और डिलीवर्ड और अग्रीड टू बी सोल्ड और डिलीवर्ड और एनी सर्विस प्रोवाइडेड और अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड मे बी फाइल्ड विद इन डिस्ट्रिक्ट फोरम. अच्छा, आप देखते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम के आगे कौन कौन लोग कंप्लेन फाइल कर सकते हैं. सबसे पहला, कंज्यूमर टू हुम सच गुड्स आर सोल्ड और डिलीवर्ड और अग्रीड टू बी सोल्ड और डिलीवर्ड. हाँ जी, सबसे पहला जिस कंज्यूमर को आपने गुड्स दिए. यार एक काम कर ले, तू पहले सबसे बात कर ले. आ रहा है तब भी हाय हेलो करता हुआ आ रहा है. कंज्यूमर जिसके ऊपर आप या तो गुड्स सोल्ड कर रहे हैं या फिर जिस कंज्यूमर को आपने सर्विसेज दी थी. हां जी, द पर्सन जिसको आपने गुड्स दिए या फिर सर्विसेज दी वो कंप्लेन कर सकता है. सेकंड, एनी रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन. बच्चे और कौन कर सकता है? आपको याद है कंज्यूमर एसोसिएशन कौन हुआ करता था? याद है कंज्यूमर एसोसिएशन कौन होता था? जो आपका इंटरेस्ट अपने साथ उठा लेता था उन सबका भी आपके साथ और वो आपके बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल करने जाते हैं. तो देखें, एनी रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन वेदर द कंज्यूमर टू हुम द गुड्स सोल्ड और डिलीवर्ड और अग्रीड टू बी सोल्ड और डिलीवर्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड और अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड इज अ मेंबर ऑफ सच एसोसिएशन और नॉट. कोई भी रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन आपका केस उठा सकता है और कहां जा सकता है? डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट फोरम में. बेटा कितने लोग केस कर पाए अभी तक? एक खुद कंज्यूमर, कंज्यूमर के अलावा और कौन कर पा रहा है? कोई एसोसिएशन. थर्ड, वन और मोर कंज्यूमर्स वेर देयर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आते हैं. मतलब क्या हुआ बेटा? शायद आप 5-7 लोग थे या फिर बहुत सारे लोग थे जिनके साथ सेम तरीके का फ्रॉड हुआ, जिनके साथ सेम तरीके का डिफेक्ट हुआ या फिर डेफिशिएंसी हुई. तो क्या ऐसे डिफेक्ट में या फिर ऐसी डेफिशिएंसी में उन सब में से कोई एक जना इस चीज को रिप्रेजेंट करते हुए केस फाइल कर सकता है? यस, यू ऑल आर देयर. आई डिड सम काइंड ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस विथ यू गाइस. आप में से कोई एक जना भी अगर जाके केस करे तो क्या आप सबके बिहाफ पे केस कर सकते हैं? यस, देख लें. थर्ड, वन और मोर कंज्यूमर्स वेर देर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट विद द परमिशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम ऑन बिहाफ और ऑन बेनिफिट ऑफ ऑल कंज्यूमर्स सो इंटरेस्टेड. बच्चे अभी तक देख लीजिए, 3 लोगों की बात हुई जो लोग केस फाइल कर पा रहे हैं. पहला खुद कंज्यूमर, दूसरा कौन? कंज्यूमर एसोसिएशन. तीसरा कौन? एक कंज्यूमर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स के बिहाफ पे कंप्लेन करने वाला. वन कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ मेनी कंज्यूमर्स. तो मान लीजिए अगर बहुत सारे कंज्यूमर्स हो गए तो किसी एक जने ने सारे केस को फाइल कर दिया. हाँ जी, आ जाए आगे. चलिए, लास्ट क्या है भाई? स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आइदर इन इंडिविजुअल कैपेसिटी और एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर इन जनरल. और चौथा इंसान जो केस फाइल कर सकता है इज द स्टेट गवर्नमेंट हाँ जी, एक बार जल्दी से रिपीट करवा देंगे. स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन के सामने कौन कौन जा सकता है? खुद कंज्यूमर,
सेकंड एसोसिएशन जा सकता है, थर्ड कोई भी एक कंज्यूमर सारे कंज्यूमर्स के बिहाफ पे, एंड लास्ट स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। चलते हैं आगे। अब देखो आप जा रहे हो प्रोसीजर पे कि जब कभी भी एक बार केस फाइल हो जाता है, तो कैसे चलता है। इट इज टू बी नोटेड दैट एडमिसिबिलिटी ऑफ द कंप्लेन शैल ऑर्डिनरली बी डिसाइडेड विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द कंप्लेन वॉज रिसीव। तो बेटिया पहला रूल क्या कहता है, मान लीजिए आज इस डायग्राम को ध्यान रखिएगा, एक्स इज द डेट, एक्स इज द डेट ऑफ एप्लीकेशन। आज मेरे साथ गलत हुआ, एप्लीकेशन बनाई, गया हूं अप्लाई करने। एप्लीकेशन बनाते ऐसा तो नहीं कि राजा बाबू आए सुनेंगे एक बार में अप्लाई करो और एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं। सामने वाला बंदा देखेगा कि क्या आपकी कंप्लेन में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। बेटा कंप्लेन में डिफेक्ट का मतलब क्या होता है यार, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं जबरदस्ती किसी गुड्स के ऊपर लगा रहा हूं। अच्छा मेरे को अभी सुनने में आया था कि एक केस हुआ जिसमें मैकडी के ऊपर लोगों ने केस फाइल किया। केस क्या फाइल किया कि भाई बर्गर के अंदर कॉकरोच के हल्का सा कुछ पंख वंख निकला, ठीक है, ये केस फाइल करके गए, पर ये लोग केस हार गए। क्या बोला गया कि नहीं ये बंदा जेब से लेके गया था और फिर वहां पे आया। द रीजन बीइंग आपने खाने के बीच में से उस चीज को निकाल के दिखाया, आपने बोला कि खाने के बीच में था, तो सामने वालों ने क्या क्लेम किया, खाने के बीच में था ना, कॉम्पनसेशन देंगे, तू टेंशन मत ले, कॉकरोच हमारा पैसा भी हमारा। पर जब तेरा पूरा बन इतना सिक के फ्राइड होके आया तो वो पंख कैसे इतना मस्त हेल्दी बिना तला हुआ रेडी आया। टू विच इट वॉज सेड कि यार कहीं ना कहीं पे साले ने जान पूछ के कंप्लेन बनाने के लिए ऐसा कुछ कचरा रख दिया। एक केस ऐसा कांच के ऊपर भी था कि एक कांच का टुकड़ा आ गया था बीच में। तो ऐसी सारी चीज़ें जहाँ पे हमें डर लगता है, फिर ऐसा लगता है कि आप फेक केस बना रहे हो, क्योंकि यार देखो एक कंज्यूमर है वो कुछ भी बोलेगा, आपको तो एक बार उसकी बात सुननी है। तो ऐसे टाइम पे क्या बोला गया, फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। हम लोग कोर्ट को क्या बोलते हैं कि आपके पास कितने दिन का टाइम है, 21 डेज का टाइम है, आपको 21 डेज के अंदर एडमिट कर लेना है एप्लीकेशन को या फिर रिजेक्ट कर देना है एप्लीकेशन को, आपकी मर्जी है। 21 दिन का टाइम आपको दिया है, ठीक एकदम आ जाए। द एक्सप्लेनेशन डिफाइंस द टर्म रिकग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन as to mean any consumer association registered under the act or any other law for the time being in force। आप देख लीजिए आपका second point क्या था इधर, any recognized consumer association। बेटा recognized consumer association का मतलब भी क्या होता है, कोई ऐसा association जो कैसा registered है, in the form of a company registered है, तभी आपको हम recognized consumer association में मानेंगे। sure साथ में हो, मेरे कान बज रहे कि तुम्हारे भी बज रहे। आज कौन सा त्यौहार है हमारे यहाँ, अच्छा शादी है, फिर तो ठीक है बेटा लगा देना गेट। आपने कोई सगे वाले क्या जिनके नीचे शादी हो रही है, हाँ जी बढ़ू आगे। दस इन केस द इफेक्टेड कंज्यूमर इज अनेबल टू फाइल द कंप्लेन ड्यू टू इग्नोरेंस इलिटरेसी पॉवर्टी और एनी रिकग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन मे फाइल द कंप्लेंट द रूल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द लोकस स्टैंडी विच परमिट्स ओनली द अग्री पार्टी टू मेक एनी एक्ट टू टेक एक्शन हैज वेरी राइटली बीन सेट असाइड इन द स्पिरिट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अच्छा आप सबके साथ एक बार आप खाली ना एक 10 सेकेंड का टाइम लेना, आपने कभी कोई प्रोडक्ट लिया हो या फिर आपने कोई सर्विस ली हो, आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि जैसा वादा किया था वैसा प्रोडक्ट नहीं मिला। एनी वन टेक अ 10 सेकेंड्स देन शेयर मी योर एक्सपीरियंस। आपने ऑनलाइन एक टी शर्ट मंगाई थी, ठीक है, एंड द टी शर्ट वॉज नॉट अप टू द मार्क, जैसा फोटो था वैसी टी शर्ट नहीं आई, ठीक है, क्या डिफेक्ट है,
यस डिफेक्ट है ना या फिर डेफिशिएंसी है. डिफेक्ट है सालो, डेफिशिएंसी सर्विस में होती है. ठीक है चलिए भाई डेफिशिएंसी थी मान लिया, आई एम सॉरी डिफेक्ट था मान लिया, क्या किया आपने फिर? बस हम यही करते हैं, कोई कुछ अच्छे नहीं आए रिटर्न कर देते हैं. कौन इतना दिमाग लगाए कंप्लेन करने का कुछ भी करने का. तो मोस्ट ऑफ द टाइम एसोसिएशंस क्या करते हैं, ये साइड में बैठे रहते हैं दंगे करने के लिए. ये कहते हैं आप इलिटरेट हो, आपकी तरफ से नेग्लिजेंस है, कुछ भी है, आप सिर्फ हमको बोल दो, हम आपके बिहाफ पे जाएंगे, केस वहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन को देंगे और सारा केस जेज जिता के आएंगे. कॉम्पनसेशन अमाउंट जब आएगा तो कुछ चार्जे अपना भी बता देंगे कि भाई हम लोगों ने इतना सब कुछ किया, हमारा जो कॉस्ट आया था वो दे दीजिए. बस कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, प्रॉफिट कमाने नहीं आए, बस हमारा जो कॉस्ट वो रिकवर करवा देना और हार गए तो कॉस्ट मत दीजिएगा, एज सिंपल एज दैट. तो ये है आपका नेक्स्ट, जिसमें अपन ने बोला था कि भाई कभी कभार कोई इग्नोरेंस, इंडिया के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है इग्नोरेंस, हमारे साथ कुछ गलत भी हो अपन जाने देते हैं. इलिटरेसी और पॉवर्टी एनी रिकग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन में फाइल द कंप्लेन. ठीक है अच्छा इसने क्या बोला, द रूल ऑफ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी वेल सेट असाइड. व्हाट इज प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट? मेरा और कबाड़ी का झगड़ा है, कबाड़ी मेरे पे केस फाइल करेगी, मैं कबाड़ी पे केस फाइल करूंगा, आप में से किसी का कोई अधिकार नहीं मेरे ऊपर केस फाइल करने का, दिस इज प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, खत्म. तो ये चीज हटा दी गई है, इवन कोई रिकग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन भी आपके बिहाफ पे केस लड़ सकता है जाके. डन. अब मैंने आपको नीचे एक फ्लो चार्ट दिया है, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द फोरम. ये फ्लो चार्ट आपने एकदम याद रखना है, मैं आपको पहले फ्लो चार्ट पूरा बता रहा हूँ फिर आप एक बार इसको वापस से रिवाइज करोगे. देख लो ये रहा कंज्यूमर, देख रहे हो बेचारा उदास कितना है, गहराई है उसकी उदासी में. ये आ गया कंज्यूमर फोरम. अच्छा कौन से फोरम आया है? डिस्ट्रिक्ट फोरम आया है अपनी कंप्लेन लेके. अच्छा अब डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या करेगा, या तो एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट कर देगा. देखिए वेदर डिस्ट्रिक्ट फोरम एक्सेप्ट द एप्लीकेशन और नॉट, अगर उसने नो कर दिया तो नो करने से पहले सामने वाला, मतलब मान लीजिए कि कबाड़ी मेरे सामने एक चीज़ लेके आई, उसने बोला कि सर मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है, नो करने से पहले मेरे को कबाड़ी को एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड देना पड़ेगा. अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड का मतलब क्या होता है, एक बार आप अपना पक्ष रख दीजिए कि क्यों आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना करूं, फिर भी आपकी बात में दम ना लगा तो फिर मैं क्या कर दूंगा, उसको रिजेक्ट कर दूंगा. सही है. अच्छा अगर यस कर दिया तो डिस्ट्रिक्ट फोरम रेफर इट टू द सेकेंड पार्टी टू रिप्लाई इन 30 डेज. आपको 30 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप रिप्लाई कर लेना. अच्छा एक सेकेंड, अगर 30 दिन में आपके पास रीजनेबल रीजन है कि आप रिप्लाई नहीं कर पाए तो आपको 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है. यहाँ तक सब साथ में? अच्छा अब सेकेंड पार्टी जिसके ऊपर आप केस कर रहे हो वो भी दो चीज़ें कर सकता है, एक वो इस एलिगेशन को मान ले, दूसरा वो बोले ऐसा कोई एलिगेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता. देखें अगर सेकेंड पार्टी ने एलिगेशन मान लिया हाँ, तो फिर ऐसे केस में क्या करना है, वो भी अपनी गलती मान रहा है, इसने इल्ज़ाम लगाया, दोनों की बात सुनेंगे, जो भी मेरिट होगा मेरिट के हिसाब से फाइनल जजमेंट पास कर देंगे. तो देख लीजिए इफ ही सेज यस केस डिसाइडेड ऑन मेरिट इन फेवर ऑफ कंज्यूमर, अगला बंदा मान रहा है अपनी गलती, डिसाइड कर दो. अच्छा पर सामने वाले बंदे ने बोल दिया नो, केस कर कुछ भी कर मेरी कोई गलती नहीं है, नो. सो अब ऐसे टेस्ट में क्या होता है बेटा, देखो ये क्या लिखा है मैंने, वेदर लेबोरेटरी टेस्ट इज रिक्वायर्ड. अच्छा एक सेकेंड, लेबोरेटरी टेस्ट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई अडल्ट्रेशन की बात बोली है या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए मुझे एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, तो क्या अगर कोर्ट चाहे तो उस चीज़ के लिए लेबोरेटरी टेस्ट बोल सकती है, क्योंकि आपने तो मना कर दिया कि नहीं मेरे गुड्स में कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है अगर तेरे गुड्स में कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग क्या करवा देते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट करवा देते हैं. अच्छा अब देख लो लेबोरेटरी टेस्ट हुआ, मान लीजिए कि लेबोरेटरी टेस्ट करने के बाद अगर हाँ आया तो देखिए इसमें क्या लिखा है, अप्रोप्रिएट लैब विल गिव रिपोर्ट इन 45 डेज ऑन द बेसिस ऑफ विच केस विल बी डिसाइडेड. अब इसने क्या बोला, लैब रिपोर्ट आ गया, कितने दिन में आएगा लैब रिपोर्ट, 45 डेज के अंदर आएगा लैब रिपोर्ट, 45 डेज के अंदर आ गया, जिसके ऊपर अपन लोग क्या कर देंगे, केस का जजमेंट दे देंगे. अच्छा ऑन द कॉन्ट्ररी लैब रिपोर्ट आई या फिर लैब रिपोर्ट नहीं बुलाई आपने, केस डिसाइडेड ऑन बेसिस ऑफ अदर एविडेंसेस.
पूरी बात सुन ली आप लोगों ने? अब बेटा सुनिए, एक बार मैं आपको इसका पूरा रिवीजन करवा देता हूं, अब आप लोग फ्लो चार्ट नहीं देखोगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट्स सी, अपन एक डायग्राम बनाते हैं कि हमें कितना याद रह सकता है। ये रही हमारी मासूम कबाड़ी, कबाड़ी। कबाड़ी के साथ एक डिस्प्यूट हुआ है। क्या हुआ है? कबाड़ी गई थी एक शॉप पे और कबाड़ी ने वहां पे बोला कि मुझे एक बिस्किट का पैकेट चाहिए। एकदम ठीक है, कबाड़ी बिस्किट का पैकेट लेके आई। बिस्किट जब इसने खोले तो उसके अंदर बथेरे कीड़े लगे हुए थे। ठीक है, बेचारी ने एक बार तो ट्राई भी किया कि अगर कीड़े हट जाएं तो हटा के खा लो, पर नहीं हुआ पॉसिबल, बहुत ज़्यादा कीड़े थे। इसने भी कहा कि नहीं, इतनी मेहनत मेरे से नहीं होगी। कबाड़ी जागो ग्राहक जागो वाली टाइप्स थी, तो कबाड़ी फाइल करना चाहती है एक एप्लीकेशन। अच्छा, बिस्किट की वैल्यू 20 लाख रुपए से तो कम ही होगी, सोने का बिस्किट भी खाओगे ना तो 20 लाख से कम होगा। बेटा अगर 20 लाख से कम की चीज़ है तो कौन सा फोरम अपने लिए सही होता है? कबाड़ी गया डिस्ट्रिक्ट फोरम, हाँ जी डिस्ट्रिक्ट फोरम गया। अच्छा डिस्ट्रिक्ट फोरम गया तो डिस्ट्रिक्ट फोरम आप दो चीज़ें कर सकता है कबाड़ी के सामने, या तो केस एक्सेप्ट कर लो या फिर रिजेक्ट कर लो। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट फोरम बोला यार क्या ये चवन्नी छाप 5 रुपए के लिए केस कर रही है, पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट ले पकड़ 10 रुपए, जा 2 पैकेट लेके खा लेना। रिजेक्ट भी कर सकता है, अप्रूव भी कर सकता है। अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम इसकी बात से हिंदी में क्या बोलते हैं सहमति रखता है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा इसको, और एक्सेप्ट नहीं किया मतलब कि सहमति नहीं रखता तो क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। अच्छा अगर रिजेक्ट कर रहा है तो हमेशा याद रखना एट द टाइम ऑफ रिजेक्शन हम क्या बोलते हैं कि भाई बिफोर रिजेक्टिंग इसको OBH देना। What is OOBH? Opportunity of being heard. आपकी बात काटने से पहले एक बार आपकी बात सुनी जाएगी। अच्छा अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड दे दिया, अगर हमें आपकी बात में दम लगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे। अब अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम ने कबाड़ी की कंप्लेन को एक्सेप्ट कर लिया, अब वक्त आ गया है कि सेकेंड पार्टी को बुला लिया जाए कि आपके ऊपर एलिगेशन है। हमारी सेकेंड पार्टी ये शॉप वाला था, अपन ने सेकेंड पार्टी को नोटिफिकेशन भेज दिया कि भाई आपके खिलाफ ऐसी ऐसी कंप्लेन आई है। दो चीज़ें हो सकती है, या तो आप पे जो इल्ज़ाम लगाया आप उसको मान लो तो अपन जल्दी से सेटलमेंट करवा दें, या फिर डिनाई कर दो, जैसा आप बोलोगे इसके ऊपर कॉल लिया जाएगा। अब या तो सेकेंड पार्टी इस एलिगेशन को एक्सेप्ट कर देगी या फिर रिजेक्ट कर देगी। अब अगर मान लिए कि सेकेंड पार्टी ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, सेकेंड पार्टी ने इस चीज को एक्सेप्ट किया, जस्ट इन केस सेकेंड पार्टी ने इस केस को एक्सेप्ट कर लिया तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, केस का डिसीजन दे देंगे, केस का डिसीजन दे देंगे बेस्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। केस के मेरिट्स चेक कर। अच्छा बेटा केस के मेरिट्स चेक करने का मतलब क्या होता है? कब बिस्किट का पैकेट दिया, बिस्किट का पैकेट कहाँ से आया, आपकी क्या गलती हो सकती है, इस हिसाब से डिसीजन देके एक फाइनल ऑर्डर पास कर देंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम सामने वाला बंदा एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप रिजेक्शन में आओगे। ठीक है, रिजेक्ट हो गया तो अच्छा देखो अगर ये कोई ऐसी चीज़ है जिसमें घपला था या नहीं था उसके लिए ज़रूरी है कि एक लेबोरेटरी टेस्ट करना पड़े, तो कोर्ट क्या ऑर्डर करती है रिजेक्शन के टाइम पे, भाई एक क्या करवा लिया जाए, लेबोरेटरी टेस्ट करा लिया जाए। देखो लेबोरेटरी टेस्ट कब कराया जाता है बेटा,
जब कभी भी कोर्ट को लगता है कि एक टेस्ट जरूरी है, मतलब लेबोरेटरी टेस्ट कंपलसरी टेस्ट नहीं होता, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है, जरूरी लगा तो करवाएंगे, नहीं लगा नहीं करवाएंगे, बात खत्म। अब बेटा मान लो अगर लेबोरेटरी टेस्ट जरूरी लगा तो लेबोरेटरी टेस्ट में हम लोग को लेबोरेटरी रिपोर्ट कितने दिन तक वेट करना पड़ता है? 45 डेज तक वेट करना पड़ता है, और 45 डेज के बाद जैसी रिपोर्ट आती है उस हिसाब से हम लोग क्या पास कर देते हैं, एक ऑर्डर पास कर देते हैं। सिंपल है। अच्छा मान लीजिए कि लेबोरेटरी टेस्ट की जरूरत नहीं थी, तो ऐसे केस में कोर्ट क्या बोलती है, कबाड़ी तू एविडेंस ला कि तेरे साथ क्या गलत हुआ है। अब हम ये केस कैसे डिसाइड करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस डिसाइड करेंगे। समझा क्या? पूरा चार्ट देख लो भाई, ठीक है? पूरा याद हो गया, प्रोसीजर जम गया बेटा। सबसे फेवरेट एग्जामिनर का प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन केस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट फोरम। आपको और कोई कंटेंट डालने की जरूरत ही नहीं है, जो सिखाया है ये एज इट इज प्रोसीजर है। अगर मैं आपको बोलूं कि आज के टाइम पे मान लो, देखो अच्छा खाली प्रोसीजर नहीं पूछेंगे, 100% पूछेंगे दैट देयर हैज बीन सम काइंड ऑफ मिस हैपनिंग विद अ कंज्यूमर रेंजिंग फ्रॉम दिस टू दिस अमाउंट। फर्स्ट टेल हिम कि ये कौन से तरीके का एक्टिविटी हुई है, डिफेक्ट की डिफिशियंसी है, बताइए कि कौन कौन केस कर सकता है, और फिर बता दिए कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है केस करने के लिए। तो ये तीन पार्ट का क्वेश्चन बनता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। अच्छा क्या आप में से अब किसी को भी प्रोसीजर लिखने के लिए बोला जाए तो आप बिना डायग्राम बनाए लाइन बाय लाइन प्रोसीजर लिख सकते हैं? द पार्टी विथ होम डिफिशियंसी और द डिफेक्ट हैज अकर्ड हैज टू फाइल एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट फोरम, दैट इज आप रिस्पेक्टिव फोरम भी लिख सकते हैं अगर डिस्प्यूट का अमाउंट कुछ चेंज होता है तो। अच्छा द एप्लीकेशन विल बी अकम्पेंड विथ अ फीस। नाउ आफ्टर यू हैव अप्लाइड द कोर्ट हैज हाउ मेनी डेज? 21 डेज, 21 डेज टू एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन। याद है कि अपन ने एप्लीकेशन की बात की थी? ओके, वंस द एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड द अदर पार्टी विल बी इंटीमेटेड, एंड इफ इन केस द कोर्ट फील्स टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन, तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड मिलता है। अच्छा सेकेंड पार्टी ने अगर अपना एलिगेशन मान लिया तो हम डायरेक्टली केस का जजमेंट पास कर देते हैं बेस्ड ऑन मेरिट्स ऑफ द केसेस, और अगर सेकेंड पार्टी ने अपना एलिगेशन नहीं माना तो हम क्या कर सकते हैं? दो चीज़ें, या तो लेबोरेटरी टेस्ट बोल दें या फिर दूसरे एविडेंसेस को देख के जजमेंट पास कर लें। अच्छा बेटा अगर लेबोरेटरी टेस्ट कराया तो 45 डेज का वेट करना पड़ेगा। पूरा जम गया एकदम। बस अपन एकदम इस चैप्टर के एंड पे हाँ, आप लोगों ने एकदम बखूबी शानदार तरीके से खत्म किया इसको। लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट, किसमें घपला करोगे? वाइल बिकमिंग अ लॉयर यू हैव टू वरी अबाउट द प्रोसीजर एंड नॉट व्हाट द अदर पार्टीज आर केपेबल ऑफ डूइंग। इस हिसाब से तो पहले दिन ही उसको वहीं पकड़ लो, वहीं का वहीं बिठा दो। देर आर इन इंडिया मोर देन 120 करोड़ कंज्यूमर्स, क्या एक दिन में लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट दे पाएगी? Answers pretty much no. तो ऐसे टाइम पे आपको लेबोरेटरी वालों को टाइम देना पड़ेगा अडल्ट्रेशन चेक करना। ऐसा थोड़ी कि बस उठा के चक के बोला हाँ इसमें नमक ज्यादा है, यू हैव टू डू सम वर्क। सो ऐसे केस में कुछ झोलझाल हो जाए या हो जाए, ये तो पूरे भारत में चलता रहे। आप भारत के कोर्ट के किसी भी केस में चले जाओ, अगर आपको लग रहा है कि विटनेसेस टैम्पर नहीं किए जाते तो ये आपकी आज तक की सबसे बड़ी भूल है, बट वी कांट हेल्प इट। दिस इज द मोस्ट बेसिक पार्ट, वी हैव टू गिव देम द बेसिक टाइम टू डू एवरीथिंग। अब बेटा आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ कंप्लेन। हाँ जी, जब आप बोल रहे हैं लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ कंप्लेन, व्हाट डज दिस मीन नाउ? अच्छा एनीवन अंडरस्टैंड्स व्हाट इज लिमिटेशन पीरियड? नो? हाँ जी देखो, अच्छा मैडम व्हाट द लॉ बिलीव्स दैट देयर शुड बी अ बार,
देर शुड बी अ बार ऑन फर्दर एप्लीकेशन आपके साथ. अच्छा, मेरे को 2011 में किसी ने धक्का मारा, 2019 में उस पर केस कर सकता हूँ कि धक्का क्यों मारा रे? द सिंपल पॉइंट कि तेरे को 8 साल बाद धक्का लगा, नहीं ना, 11 में लग गया था तो 11 में केस कर. एक इंसान को 8 साल बाद जाके क्यों पनिश कर रहा है? दिस इज कॉल्ड लिमिटेशन एक्ट, जो बोलता है कि हर चीज़ के ऊपर एक बार होना चाहिए, बार इन द सेंस लिमिटेशन होनी चाहिए कि इसके बाद आपका केस एक्सेप्ट नहीं हो सकता. सो डू यू लाइक द बार? सो लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट. अब इसने क्या बोला बेटा, सेक्शन 24 ये प्रोवाइड्स कि डिस्ट्रिक्ट फोरम हो या स्टेट कमीशन हो या नेशनल कमीशन हो शैल नॉट एडमिट अ कंप्लेन अनलेस इट इज फाइल्ड विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन हैज अराइजन. तो भाई जिस दिन केस हुआ, मान लीजिए एक्स इज द डेट ऑफ केस, यहां से अगर आपने 2 ईयर्स के अंदर अपने सवाल का जवाब नहीं मांगा तो उसके बाद सामने वाली पार्टी आपको जवाब देने के लिए लायबल नहीं है. यहाँ तक ठीक है? इसके बाद आपका केस एक्सेप्ट होना सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे पॉसिबल है. अगर इस चीज़ को हमेशा याद रखना, अगर आप जितना भी 2 ईयर्स के ऊपर आपने एक्सटेंड कर दिया टाइम, इसमें आई एम रिपीटिंग, इसमें डे टू डे बेसिस का रीजनेबल रीजन दे पाए, तो डे टू डे बेसिस का रीजनेबल रीजन दे पाए कि भाई मैं क्यों नहीं आ पाया इस तारीख को, भाई मैं क्यों नहीं आया इस तारीख को, अगर एक दिन का जस्टिफिकेशन भी आपके पास नहीं हुआ तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा. आर यू श्योर? अगर आप लोग एक भी दिन का एप्लीकेशन का जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए डीले का, इट वोंट गेट एक्सेप्टेड एंड द कोर्ट जेन्युइनली आस्क्स यू कि अच्छा मंडे को क्या कर रहे थे, मंदिर गया था, ट्यूसडे को क्या कर रहे थे, भगवान खुद घर आए थे, वेंसडे को क्या कर रहे थे, ऐसे एक एक चीज का आपसे जस्टिफिकेशन माना जाएगा. अच्छा, इज दिस अ ग्राउंड की केस करने का उस दिन मूड नहीं था? नहीं क्या? नॉट अ ग्राउंड. पापा की तबीयत खराब थी, घर में 5 मुष्टंडे बेटे हैं पापा के, मैं का बस मेरे को लगता है कि मेरी जरूरत है, मैं ही मेरे घर का डॉक्टर हूँ. खांसी होती है तो कफ सिरप भी पिला लेता हूँ, सर दुखता है तो डिस्प्रिन दे देता हूँ. आई एम ऑलमोस्ट अ क्वालिफाइड डॉक्टर, सुई धागा मिल जाता तो खोला बेली भी कर देता हूँ बाकी मैं. चलेगा क्या? नॉट जस्टिफाइड. आपके घर में 5 बच्चे हैं ना, ध्यान रख सकते थे. आपको क्या करना था? खाली कंप्लेन करने आना था, 1-2 घंटे का काम था. और ऐसा कौन सा आप इलाज कर रहे थे घर पे बैठ के पापा का जो उन 2 घंटे में ही होता? अच्छा, इसी जगह पे आप और आपके फादर साथ में रहते हैं और कोई साथ नहीं रहता, अब ये रीजनेबल हो गया. तो रीजनेबलनेस से ना कभी कोई समझा नहीं सकता. अगर आपको लगता है कि यार सच में बेचारे के पास पॉसिबल नहीं था आज का दिन आना, रीजनेबल है. जैसे आप लोग कितने खतरनाक रीजन लाते हो, जब आप टेस्ट होता है तबीयत खराब हो गई, टायर पंचर, ये देखो अलग लेवल कितनी तकलीफें होती. टेस्ट वाले दिन मुझे पता पड़ता है कि आप लोग कितने गरीब लोग हो यार, मतलब टायर पंचर हो गया. आप लोगों ने कभी ओला नामक चीज़ ही नहीं सुनी, बस नामक चीज़ ही नहीं सुनी, और बाकी साले पूरे टाइम मुस्टंडों की तरह यही मुँह लेके बैठे रहोगे, उसी दिन होता है फिक्स है. अच्छा, आज विकास सर ने ग्रुप में डाला कि आई एम नॉट टेकिंग टेस्ट. उसने क्यों डाला ग्रुप पे? क्योंकि उसे भी पता था कि अगर आज टेस्ट हुआ तो बहुत सारे लोग बीमार होंगे जो मुश्किल आएंगे. कुछ लोग तो क्लास में आए थे, उधर आके सॉरी ऑफिस में आके कहते कि सर लास्ट टेस्ट भी हम इसलिए नहीं दे पाए थे, हम रात को लेट तक पढ़ रहे थे, तो अगले दिन आँख नहीं खुली. मैंने कहा अगले दिन 1:30 बजे तुम्हारे दिन में आँख नहीं खुली? बोले सर नहीं खुली. रीज़न ही इतने रीजनेबल होते हैं कि आप आगे कुछ कह ही नहीं पाते. देख लीजिए आगे वाली लाइन, आपको पता है, देख लो मैंने अभी भी समझाया. द कंप्लेनेंट सेटिस्फाइज द फोरम, अगर 2 साल के बाद का क्यों डीले है, अगर आप प्रूव कर सकते हो, प्रूव कर दिया, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी. मैंने ऑलरेडी डायग्राम में डाल दिया, आपसे पीछे रीड कर लीजिए. ओरल नहीं लगता, आप एप्लीकेशन फाइल करके देते हो. पापा की तबीयत खराब है तो कुछ रिपोर्ट होगी ना उस टाइम की कि भाई ये बीमारी हो रही है. अच्छा, आपका अगर इतना बड़ा डिस्प्यूट था तो ईमानदारी से आप 2 साल में आई जाने चाहिए थे.
अगर इतना छोटा डिस्प्यूट है तो फिर आप खुद ही 2 साल के बाद नहीं जाओगे, क्योंकि पापा की फेक रिपोर्ट बनवाने में ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो सब्जेक्टिव सी बात है यार, और हम आपको ऐसा थोड़ी बोल रहे थे हम केस करना अलाउ नहीं कर रहे, हमने तो 2 साल का टाइम दिया था आपको केस फाइल करने के लिए, और 2 साल तक बाप बीमार था। सोचो ना कितना सब्जेक्टिव पॉइंट है। तो कोर्ट भी हंसती है बीच बीच में कि मतलब तू कुछ भी मत बोल, मतलब मैं हूँ और कानून अंधा है, पर कानून वो नहीं है जो तू सोच रहा है। ठीक है एकदम, चलो ठीक है, आर वी श्योर? चलो, पावर्स ऑफ द रिड्रेसल एजेंसीज। हाँ जी चले बड़े आगे। द डिस्ट्रिक्ट फोरम, द स्टेट कमीशन एंड द नेशनल कमीशन शैल हैव बीन वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट एंड द कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 व्हाइल ट्राइंग अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। आ जाओ चलो सुनने का। जब कभी भी आप सिविल कोड पढ़ लो, पावर ऑफ सिविल कोड, तो जो अभी मैं सिखा रहा हूं बेझिझक डायरेक्ट लिख देने का, कोई वापस से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है अब बता रहा हूं ना, कह रही क्या? अच्छा हाँ बोला क्या? सॉरी 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 सॉरी, बेचारे ने हाँ बोला, ऐसे बोला हाँ। ठीक है आते हैं वापस से। तो अपन क्या पढ़ रहे थे? द पावर्स। सो आपने बोला कि कमीशन के पास वेस्टेड है पावर्स दैट ऑफ अ सिविल कोर्ट। अब बेटू देखो सिविल कोर्ट, एक सेकंड, सिविल कोर्ट आपको जेल कर सकता है क्या? पहली चीज लेफ्ट रख के छोड़ दो, तक मैं ना बोलूं तब तक सिविल कोड में कोई जेल की बात मत करना। अब एक सिविल कोड के पास सबसे बेसिक पावर होता है टू सेंड यू अ समन एंड एनफोर्स योर अटेंडेंस। मतलब आपके घर पे एक नोटिस आ सकता है और नोटिस देके वो बोल सकता है कि आजा भाई तुझसे मिलने का मन है। पहला पावर, तुमसे मिलने की तमन्ना है पहला। अच्छा बुला लिया, अच्छा तू आ ही रहा है, तो आते आते ये वाला एविडेंस या अबे भाभी ने ये वाला एविडेंस या ये चीज लेते हुए आना। तो सेकंड चीज क्या बोली कि आते वक्त अगर कोई एविडेंस चाहिए तो वो भी लेते हुए आना। दो चीजें, पहले आपको समन भेज सकता है आ जाओ, दूसरी चीज आते आते एविडेंस लेते आना। अच्छा एविडेंस ला ही रहा है ना, तो यहाँ पे आके जो तू डॉक्यूमेंट दे रहा है क्या हम उसको तेरे से एफिडेविट पे लिखा के ले सकते हैं? अच्छा बेटा एफिडेविट पे लिखाने का मतलब क्या होता है कि जो तू इस डॉक्यूमेंट में लिखा है तू इसको ओन करता है। कल अगर ये बात गलत निकल गई ना तो पहला केस मैं तेरे पे डालूंगा फ्रॉड का वापस से कि तूने यहां पे पेपर गलत सबमिट किए। तीन चीजें, सबसे पहला आ जा एविडेंस लेता हुआ, तीसरा एफिडेविट पे लिख गया। तो ये सबसे बेसिक तीन पावर्स आपके पास होते हैं जो आपको कोर्ट एक्सरसाइज कर। अच्छा एक सेकेंड, आप तीन चीजें लेके आ गए, अब चौथा अपने को शक क्या है कि तुम लोग जो चीज लाए हो उस पर थोड़ा इंक्वायरी करने की जरूरत है। तो क्या आपके खिलाफ हम एक कमीशन इशू कर सकते हैं? कमीशन इशू मतलब कमीशन नहीं, कमीशन इशू का मतलब होता है इनकम्पिटेंट कमेटी। यस कमीशन मतलब एक कमेटी बना दी 3-4 लोगों की या फिर 2 लोगों की या फिर एक इंसान जो आपके साथ बैठेगा और आपके लाए हुए एविडेंस को आपके साथ डिस्कस करेगा या फिर उसे चेक करेगा कि जो आप सच बोल रहे हो वो सही है कि नहीं है। कितनी चीजें कर दी अपन ने? बुलाया, सामान लेता हुआ आना, एफिडेविट पे कर दे, आपके खिलाफ कमीशन दे सकते हैं। ये है आपके सबसे बेसिक पावर्स। अच्छा देखो कहाँ गए भाई, पहला द टू समनिंग। बेटा समनिंग का मतलब होता है सेंडिंग ऑफ नोटिस, समन का मतलब टू सेंड नोटिस। टू सेंड नोटिस, सेकेंड डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और अदर मटीरियल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेबल एज एविडेंस। आपको बोल सकते हैं क्या इस चीज को ढूंढ के लेता हुआ आना? यस सो इसको मैं लिख रहा हूं एविडेंस रिक्वायरमेंट। हाँ जी, थर्ड द रिसेप्शन ऑफ एविडेंस ऑन एफिडेविट, सेम पॉइंट है, आपके एविडेंस को अपन एफिडेविट पे ले सकते हैं।
फोर्थ, द रिक्विजिशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ कंसर्न एनालिसिस और टेस्ट फ्रॉम द अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी और फ्रॉम एनी अदर रेलिवेंट सोर्स. बेटा देखो ये फोर्थ पॉइंट मैंने आपको क्यों नहीं बताया, ये वाला जो पावर है ये सिर्फ कमीशन एक्साइज करता है. अच्छा बेटा बाकी सिविल कोर्ट में आपसे लेबोरेटरी का रिपोर्ट मांगेंगे क्या बैठ के? नहीं मांगने वाले. इसीलिए ये जो पावर है ये कोई स्पेसिफिक पावर नहीं है सिविल कोर्ट के अंदर दिया गया, ये अपन ने इधर कमिटीज को ये पावर दिया, फोरम को ये पावर दिया है कि अगर हमने बोला कि उस चीज़ का लेबोरेटरी टेस्ट करा के आना तो क्या लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट भी मांगी जा सकती है. बच्चा सबको पता है लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट क्या होता है, अभी डिस्कस किया अपन ने. वेर एवर नेसेसरी आपके इसके प्रोडक्ट की डेफिशिएंसी या डिफेक्ट चेक करने के लिए अपन क्या ले सकते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट. अब उसकी जो रिपोर्ट आएगी वो आपको किसको सबमिट करनी पड़ेगी, कमीशन को सबमिट करनी पड़ेगी. तो फोर्थ चीज़ है done. Fifth, issuing of commission for the examination of any witness, already done. Issuing of commission, and last, any other matter which may be prescribed. सारे समझ गए? हाँ जी लिख लिया. चलिए एक रिवीजन करवा देते हैं आपको वापस से. सिविल कोर्ट के कितने पावर्स अपने डिस्कस करने हैं? सबसे पहला समन एंड एनफोर्स योर अटेंडेंस. सेकंड आते आते एविडेंस लेता ना, एविडेंस लाया तो एफिडेविट पे लिख देना. फोर्थ लेबोरेटरी टेस्ट अगर तेरे को बोला है तो उसकी रिपोर्ट लेते हुए आना. फिफ्थ तेरे खिलाफ कमीशन इशू कर सकते हो, तेरे विटनेस को एग्जामिन करेगी. एंड लास्ट कोई भी और मैटर जो यहाँ पे हमें जरूरत पड़े वो पावर यूज कर सकते हैं. ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों पर एग्जामिनर को पसंद है, पर ऐसा क्वेश्चन आए तो एक बार पेपर छोड़ के उठना, एक आदमी डांस वांस करने का, वापस बैठने का और लिखना चालू करने का. अच्छा ये जो रिड्रेसल एजेंसीज का पावर है ना, ये डिस्ट्रिक्ट फोरम का भी है, स्टेट का भी है, नेशनल का भी है, तीनों में. तो कहीं पर भी पूछे यही चीज डालनी है अपने को. कौन से काउंसिल का है? सबका सेम. These redressal agencies have also been empowered to pass written orders authorizing any officer to exercise the power to entry and search of any premises whether books, papers, commodities or documents are kept if there is any ground to believe that these may be destroyed, mutilated, altered, falsified or secreted. Chale ek second. Acha kitne logon ne Secret Games 2 dekh liya? Bahut acha beta. Pata nahi mere ko bas ek scene pata hai, maine dekha nahi hai Secret Games 2. अच्छा वो सीन याद है क्या जहाँ पे गाय तोंडे भाई ने जेंटलमैन विस्की का डुप्लीकेट बनाना चालू कर दिया था? ठीक है जिन लोगों ने नहीं देखा मैं बता रहा हूँ, गाय तोंडे भाई ने, हमारे फेवरेट है श्री श्री गाय तोंडे भाई जी, जिन्होंने क्या किया जेंटलमैन विस्की की डुप्लीकेट बनाई. अच्छा उसने जान पूछ के क्या किया ना, इसका सबसे अडल्ट्रेटेड वर्जन बनाया जिसको लोग पिए और मरे तो 10 में से 2 लोग मर जाएंगे पी के, ये उसने एवरेज रेशो बताया वहाँ पर. तो ये क्यों बनाई उसने, क्योंकि ये उसके सबसे बड़े दुश्मन की लिकर थी जो सेल होती थी और वो उसको बदनाम करना चाहता था इसलिए उसने ऐसा किया. नाउ जैसे ये हुआ क्या यहां पे अगर कहीं से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी इंसान के पास ये बहुत ज्यादा तादाद में पड़ी हुई है जिसके ऊपर एक लेबोरेटरी टेस्ट करना चाहिए कि इसके अंदर आपने कुछ फॉल्सिफिकेशन कर रखा है या फिर इसके अंदर आपने कुछ भी गलत कर रखा है, तो क्या यही डिस्ट्रिक्ट फोरम, क्या यही नेशनल फोरम या फिर स्टेट फोरम ऐसा ऑर्डर दे सकती है किसी पुलिस ऑफिसर को कि आप उसके वहां जाओ, चीजें उठाओ, सर्च करो और अगर सर्च में कुछ भी मिले तो हमारे पास इसकी रिपोर्ट लेके आओ? यस ऐसा ही हुआ था अगर आपको याद हो, इसमें आगे चल के जब उसकी और वो ताई की लड़ाई हो गई थी तो ताई ने उसके घर पे पुलिस ऑफिसर्स भेज दिए थे सर्च करने के लिए. नाउ दिस
इज वेर यू से यू कैन एक्सरसाइज द पावर, जहां पे आप पुलिस ऑफिसर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप उधर जाइए और चेक करिए. अच्छा, पर आप कब सर्च करने की कोशिश करते हैं? एक, जब हमें डर है कि आप उस चीज को म्यूटिलेट कर दोगे. बेटा म्यूटिलेट का मतलब क्या होता है? चेंज कर दोगे, फॉल्सिफाई कर दोगे, खराब कर दोगे, या फिर कैसे भी उसे छुपा दोगे. अगर हमें डर है तो हम ऐसे केस में आपके खिलाफ सर्च ऑर्डर देते हैं. अच्छा, सर्च किया, बॉटल मिल गए, उसमें लफड़ा भी है, सीज कर सकता हूं क्या? तो सर्च के साथ साथ सीज का पावर साथ में ही जाता है. इमेजिन, एक पुलिस ऑफिसर आपको पकड़ सकता है पर अरेस्ट नहीं कर सकता, तो क्यों तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है वो जबरदस्ती? पकड़ के बस भाग, फिर ऐसे ही खेलते रहोगे? नहीं ना. विद द पावर ऑफ सर्च कम्स द पावर ऑफ सीजर. सर्च एंड सीज साथ में आता है. पर यहां पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि क्या सीज करने के बाद किसी चीज को आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ डेज के लिए अपने पास रख सकते हैं, या जब तक मन चाहे तब तक रखे रखोगे? वाह क्या बात है प्रिया. नहीं नहीं नहीं, कोई तंग नहीं करेगा इसको. आ जाओ, देख लो. सच ऑथराइज ऑफिसर में ऑल्सो सीज द बुक्स, द पेपर्स, documents or commodities if they are required for the purpose of this act, provided the seizure is communicated to the district forum, state commission or national commission within 72 hours. चीज जब्त करने के 72 घंटे, 72 hours के अंदर आपको national commission या फिर state commission या फिर district commission, जिसका भी ये केस है, उसके सामने जाके बताना पड़ेगा कि हमने ये चीजों को जब्त कर लिया है. On examination of such documents or commodities, the agency concerned may order the retention. इसके बाद जब आप एक बार से चेक कर लेते हैं, फिर एजेंसी ऑर्डर करती है कि अब इसको अपने पास ही क्या कर लो, रिटेंशन कर लो. रिटेंशन का मतलब क्या होता है? अपने पास ही रख लो. रईस पिक्चर देखी थी क्या? वो पूरी शराब की बॉटल्स जो अपन ने, इन लोगों ने सीज कर ली थी, रख लो. बाद में हमने कहा कि यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, बुलडोजर चला के सारी बॉटल्स फोड़ दी. बहुत सारे लोगों की तकलीफ दिखी मुझे आंख में. देयरफॉर और रिटर्न इट टू द पार्टी कंसर्न. नोट, द रिड्रेसल एजेंसीज हैव आल्सो बीन एम्पावर्ड टू डिसमिस फ्रिवलिस कंप्लेंट्स. बेटा मार्क करना, व्हाट इज फ्रिवलिस कंप्लेंट्स? फॉल्स, फॉल्स कंप्लेंट, अननेसेसरी पब्लिसिटी गेन करने के लिए या फिर कुछ भी. जैसे वो मैकडोनल्ड्स में वो आ गया था, इसके कॉकरोच के पंख आ रहे, गंवार साला. इतना तो होना चाहिए, थोड़ा फ्राई करके ले आता कॉकरोच. अंडर सेक्शन 26 ऑफ द एक्ट एंड टू ऑर्डर द कंप्लेनेंट टू मेक पेमेंट ऑफ कॉस्ट नॉट एक्सीडिंग रुपीज 10,000. अगर आपने ऐसा कंप्लेन किया जो फ्रिवलेस है, हमें फेक लगता है, तो आपके ऊपर कितना फाइन लगाया जा सकता है? 10,000 तक का फाइन लगाया जा सकता है. ठीक. अच्छा, एक छोटा सा रिसर्च क्वेश्चन दूं यहाँ पे. मैकडोनल्ड्स जितना बड़ा ब्रांड, वो आदमी बेचारा कैसे एकदम पेंटेड बाहर बैठा रहता है मुस्कुराता हुआ. तुमने उस मुस्कुराते आदमी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि उसके बर्गर में कॉकरोच निकला, वो तो जीते जी मर गया यार. 10,000 रुपये से मैकडोनल्ड्स का क्या होगा? एक बच्चे की हैप्पी बर्थडे पार्टी में वो 20,000 चार्ज कर लेता है, तुमने कॉकरोच का पंख दिखा के उसका लाखों का नुकसान करवा दिया, और यहाँ पे क्या सिर्फ 10,000 रुपये फाइन चार्ज कर रहे हो? माई क्वेश्चन इज कि क्या आपके पास कहीं पे भी ऐसी अप्रोप्रिएट रेमेडी है जहां पे आप इनसे कॉम्पनसेशन क्लेम कर पाए अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? डिड यू गेट माई क्वेश्चन? क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, ऑन द कॉन्ट्ररी, उल्टा जिसको आप, जिसके ऊपर आपने केस किया था, उसके पास आपके खिलाफ रेमेडी है या नहीं? सर वो तो कंज्यूमर है ही नहीं, वो तो सर्विस प्रोवाइडर है या फिर फूड प्रोवाइडर है, तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं आएगा, वो किसी दूसरे लॉ के अंदर जाएगा. इतना सा पार्टिकल सर्च करके आप मेरे को इसका आंसर दोगे, ठीक है? फर्स्ट ग्रुप में मैं जैसा करता हूँ, जो आंसर सर्च करके आएगा उनको जवाब मिलेगा, जो नहीं सर्च करके आएगा वो ऐसे मुंह लेके बैठा रहेगा, ठीक है? आ जाइए. अच्छा, नीचे देख लीजिए, कंप्लेंट्स टू बी रजिस्टर्ड. आप बता दो, 20 लाख तक का केस से कहाँ जाऊं? 1 करोड़ से ऊपर का केस से कहाँ जाऊं? 1 करोड़ से कम, 20 लाख से ज्यादा, स्टेट कमीशन. देख लीजिए. डन. चलिए 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 आगे बढ़ना है.
in terms of section 14 subsection 1 of the act, where the goods complained against suffer from any of the defects specified in the complaint or any of the allegation contained in the complaint about the services are proved, the district forum, the state commission, the national commission may pass one or more of the following orders. बेटा अब ये हैं the powers जिसमें अच्छा ये powers कब use करते हो आप, जब आपके खिलाफ case prove हो जाता है तो ये आपके खिलाफ orders आ सकते हैं. देखते हैं, चाहे state commission हो, national commission हो या फिर district forum हो, वो ये orders pass कर सकते हैं. To remove the defect pointed out by the appropriate laboratory from the goods in the question. चलिए देखते हैं बेटा जल्दी से. सबसे पहला कि भाई जो उस चीज के अंदर दिक्कत है उसको हटा दो, बाकी सब चीज एकदम ठीक है. टू रिमूव द डिफेक्ट. सेकंड, अच्छा एक सेकंड, कबाड़ी गई और उसने बोला सर मैंने एक 6 लाख रुपए का टीवी खरीदा और उसका रिमोट सही से काम नहीं कर रहा है, पॉइंटर प्रॉपरली लगा के देख रहे तो चल नहीं रहा. अगर ये प्रूव हो जाता है कि सच में उसका रिमोट सही से काम नहीं कर रहा, द कोर्ट कैन ऑर्डर क्या कि भाई रिमोट चेंज कर दो या फिर जो भी बेटर हो सकता है जिससे टीवी एकदम सही चले वो कर दीजिए. अच्छा एक सेकेंड, चेक करने पे पता पड़ा कि टीवी के अंदर के 2-3 सेंसर्स ही खराब है. 4-5 लाख की टीवी खरीदी है, क्या वो बंदी 4-5 लाख की टीवी ऐसे ही पहले दिन ही खुलवाएगी? नहीं. तो क्या ऐसे केस में कोर्ट ये भी बोल सकता है कि रिप्लेस कर दीजिए? यस. अच्छा रिमोट खराब था, नया रिमोट दे देंगे, कोई बात नहीं. पर अगर टीवी में ही दिक्कत है मेजर चीज़ में तो रिप्लेस का ऑर्डर आ सकता है. सो फर्स्ट, टू रिमूव द डिफेक्ट पॉइंटेड आउट. सेकेंड, टू रिप्लेस द गुड्स ऑफ सिमिलर डिस्क्रिप्शन विच शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट. तो मतलब आपको वैसे ही एक नया टीवी देना पड़ेगा जिसके अंदर कोई भी तकलीफ ना हो. थर्ड, टू रिटर्न टू द कंप्लेनेंट द प्राइस और एज द केस में बी चार्जेस पेड बाय द कंप्लेनेंट. कबाड़ी ने बोला मेरे को टीवी चाहिए ही नहीं, सोनी नामक चीज से सोनी का विश्वास ही उड़ गया. क्या बंदी ऐसा ही बोल सकती है कि पैसे वापस चाहिए? ठीक है, कोर्ट ने बोला लेके जा भाई, तेरा बिजनेस है. टू गेट द प्राइस बैक. फोर्थ, टू पे सच अमाउंट एज मे बी अवॉर्डेड बाय इट एज compensation to the consumer for any loss or injury suffered by the consumer due to negligence of the opposite party. एक आपने कहा रिमूव करो जो डिफेक्ट है, दूसरा आपने कहा रिप्लेस ही कर दो पूरा टीवी जिसपे झंझट है, तीसरा आपने कहा ना रिप्लेस करने रिमूव कर उसको, उसका पैसा वापस दे खत्म कर, फोर्थ में आपने कहा अगर उसको तुम्हारी वजह से कोई नुकसान हुआ तो अब आप क्या करो कॉम्पनसेट कर दो. तो डी है टू कॉम्पनसेट. क्लियर आहे? आई एम सॉरी, आई हर्ड दैट यू सेड कि बहुत सारी शॉप्स के बाहर नो एक्सचेंज के बोर्ड लगते हैं. एक्सचेंज इज कंप्लीटली अ डिफरेंट थिंग. जैसे मैंने अभी उस दिन लेंस कार्ड गया तो आई बॉट दिस स्पेक्स. उन्होंने कहा कि सर आप ये यहां से खरीद रहे हैं और आप यहां से ग्लासेस नहीं डलवा रहे हैं. इन दिस केस क्योंकि आप यहां से ग्लासेस नहीं डलवा रहे हैं, देयर इज नो रिप्लेस, नाइदर दिस फ्रेम विल बी एक्सचेंज्ड. ये लेंस कार्ड की पॉलिसी थी जिसमें उसने कहा कि अब ये गुड्स एक बार सेल हो गए, वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट बैक. हाउएवर अगर इसके अंदर कोई डिफेक्ट है, आई कैन वेरी वेल गो बैक फॉर द डिफेक्ट. एक्सचेंज क्या हुआ, आपने कोई चीज ली, आपको पसंद नहीं आई और आप वापस से एक्सचेंज करवाने जा रहे थे. डिफेक्ट आर वेरी वेल एडमिसिबल. ऑन द कॉन्ट्री, सेकेंड इंटरप्रिटेशन भी ले लिया जाए. जब वो बंदा अगली बार आपको देते वक्त ही कह रहा है कि मेरे को इसकी क्वालिटी पे कोई विश्वास नहीं है, खुला बेचते हुए कह रहा है कि मेरे को इसकी क्वालिटी पे विश्वास नहीं है, ऐसे केस में अगर आपने गुड्स खरीदे तो उसकी कोई गलती नहीं है. वो बंदा तो कह रहा है कि मैं एक्सचेंज नहीं करने वाला, जो गुड्स हैं आपके सामने चले तो चले, नहीं तो नहीं चले. मैंने जब डॉग परचेज करने गया था भाई, ना उसने इतना बड़ा यहाँ पे ऐसा एक बोर्ड लगा रखा था, लिविंग स्टॉक नो वैल्यू आफ्टर सेल. इसका मतलब तेरे हाथ में भी कुत्ता है, भौंक रहा है, बाहर जाके नहीं भौंका, तेरा दिक्कत.
यहाँ पे वापस लेके मत आना, विच इज जस्टिफाइड, इट्स अ लिविंग थिंग, जब तक चले तब तक चले. तो मैं ऐसा थोड़ी बोल सकता हूँ देर इज अ डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट. आप कुत्ता दिया आदमी ने, नहीं सेटिस्फेक्शन है, नहीं सेटिस्फेक्शन है. और मेरा कुत्ता तुम देख लेना, कुत्तों में सबसे बड़ा कुत्ता वो है. 5 मिनट उसको अकेला छोड़ दे, पूरा घर तबाह करके दिखा देगा तुझे 5 मिनट के अंदर. लास्ट टाइम तो मैं चक्कू लेके उसके पीछे दौड़ा था कि तेरा हॉट डॉग ना बनाया, तो देख वहां भी बच गया साला. सो ई भाई साहब, कितने लोगों के पास यहाँ पे डॉग है? जिंदगी झंड है अपनी. तुम्हारा वाला ओबीडियंट है क्या? तुम्हारा वाला ओबीडियंट है डॉग? हाँ यार, ये लड़कियों के वाले कुत्ते सही होते हैं, इनके जैसे मस्त एकदम चिल रहते हैं, ज़्यादा नहीं रेस्ट करेंगे वाला. लड़कों के साथ अगर कोई कुत्ता छोड़ देना, वो जेन्युइनली कुत्ता बन जाता है. देयर इज डिफरेंस. मेरे वाले कुत्ते को देख लो तुम भाई साहब. अच्छा, लास्ट टाइम उसकी तबीयत खराब हो गई थी. तबीयत खराब हुई, बेड पे चढ़ा और उल्टी कर दी. मैं उसकी तरफ देखता रह गया. मैं कहा तू नीचे बैठा था ना, कर लेता वहीं बेड पे. फिर सोफा पे गया, मैं समझ गया कि ये क्या करने वाला, क्योंकि दूसरा कुत्ता तो मैं ही था ना. डायरेक्ट धक्का दे के नीचे, और नीचे उतरते उल्टी कर दी. मैं कहा बस, मुझे पता था धीरे धीरे कि तेरे में मेरे ही ट्रेड से भाई साला. कहाँ गए भाई? फोर्थ हो गया था ना. फिफ्थ, टू रिमूव द डिफेक्ट्स इन गुड्स और डेफिशिएंसी इन सर्विस इन क्वेश्चन. अच्छा, इट इज ऑलमोस्ट द फर्स्ट पॉइंट. देखो फर्स्ट और ई वाला पॉइंट देखो, ए और ई वाला पॉइंट देखो. सिर्फ फर्क कितना है ए वाले पॉइंट में, ये लेबोरेटरी टेस्ट से आया था कि इसमें ये डिफेक्ट है, आपने वो हटाया. और ई वाले पॉइंट में आप लोगों ने क्वेश्चन किया था कि इन गुड्स या सर्विसेज में ये प्रॉब्लम आई है. फर्क कितना सा? ए वाले पॉइंट में लेबोरेटरी रिपोर्ट थी, टू रिमूव द डिफेक्ट पॉइंटेड आउट. बाय लेबोरेटरी, इसमें टू रिमूव द डिफेक्ट पॉइंटेड बाय द कंज्यूमर. डन. आ जाए नेक्स्ट एफ. क्या आपको ऑर्डर कर सकते कि एक बार आपने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर ली, आगे नहीं होनी चाहिए. टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और द रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस और नॉट टू रिपीट देम. हाँ जी, श्योर, बहुत सिंपल जी. नॉट टू ऑफर हजार्डस गुड्स फॉर सेल, इसका मतलब क्या हो बेटा? इस पॉइंट का मतलब क्या हो? नॉट टू ऑफर हजार्डस गुड्स फॉर सेल. जाओ एक मेडिकल स्टोर पे और बोलो यार 30 नींद की गोलियां देना, मांग के देखो, वो तुम्हें जीवन के ज्ञान दे देगा. वो सारे जीवन बहुत कीमती है बेटा, क्या हो गया? क्योंकि नींद की गोलियों का इम्प्लीकेशन अपने हिंदी मूवीज ने अपने दिमाग में ये डाल दिया ना कि बस खाओ और ज़्यादा खा ली तो ज़्यादा लंबा सो जाओ. तो यही अपन ने मान लिया. ऑन द कॉन्ट्ररी, मेडिसिन आपको अलाउ नहीं करते हैं ऐसे ले जाने के लिए. क्या बोलेंगे? अच्छा, नींद की दवाई मिल सकती है क्या? मिल सकती है, बट प्रोवाइडेड यू हैव अ प्रिस्क्रिप्शन. क्यों? क्योंकि इट इज समथिंग ऑफ हजार्डस नेचर, यू कैन सेल इट लाइक दैट. तो इसी तरीके से आप कहीं दुकान पर जाके बोल सकते हैं कि यार कोई खाने का जहर देना, खा के मर जाऊं, कोई नहीं देगा. डू यू गेट माई पॉइंट? दीज आर हजार्डस थिंग्स योर हेल्थ, नो वन इज गोइंग टू गिव यू. ठीक, सो नॉट टू ऑफर हजार्डस गुड्स फॉर सेल. हाँ जी, क्या मरने का शौक है? हाँ, स्टेरॉइड्स. हाँ, वो डॉक्टर था तो प्रिस्क्रिप्शन था ना बेटा. डॉक्टर ने मेरे हाथ पे थोड़ी लिख के दिया था, प्रिस्क्रिप्शन था ना. इसको ये वाली दवाई देके मारने का है, ये ले. उसके बाद केमिस्ट क्या बोलेगा? ले भाई मर. जब डॉक्टर और तेरे बीच में सलाह हो गई तो मैं तुझे थोड़ी रोक सकता हूँ. पावर समझ में आ रहे अभी तक? पहला, जो लेबोरेटरी टेस्ट में डिफेक्ट आया वो हटा दो. दूसरा, जो चीज़ गलत आई उसी को रिप्लेस कर दो. तीसरा भाई, ना रिप्लेस कर ना कुछ कर, हमको क्या चाहिए? प्राइस वापस दे दे. प्राइस के साथ साथ और क्या चाहिए आपको? कॉम्पनसेशन दे दीजिए. अच्छा, अगर आपने कोई डिफेक्ट किया है तो वो डिफेक्ट हटा दो.
नेक्स्ट, अगर आप कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको बंद कर दो करना, एंड उसके बाद हजार्डस नेचर के गुड्स को आपको सेल नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, एच वाले पॉइंट के आगे बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो रिपीट, रिपीट पढ़ा रहा हूं पर इट्स अ रिपीट पॉइंट। टू विदड्रॉ द हजार्डस गुड्स फ्रॉम बींग ऑफर्ड फॉर सेल, ऑलमोस्ट सेम पॉइंट है। आप हजार्डस गुड्स जो बेच रहे थे अब उनको विदड्रॉ कर दो, आज के बाद बेचोगे भी नहीं। टू, अच्छा देखो, अब जब आपको हम बोल रहे हैं कि मना कर दो बेचने से, इसका मतलब है कि अगर आप वो हजार्डस गुड्स बनाते थे तो बनाना बंद कर दो। तो पहले लाइन लिखिए, टू सीज मैन्युफैक्चर ऑफ हजार्डस गुड्स एंड टू डेजिस्ट। अच्छा बेटू, सीज एंड डेजिस्ट का मतलब क्या होता है? सीज मतलब स्टॉप, डेजिस्ट मतलब डू नॉट रिपीट। डेजिस्ट का मतलब क्या होता है? डू नॉट रिपीट। सो सीज मैन्युफैक्चर ऑफ हजार्डस गुड्स एंड टू डेजिस्ट, डेजिस्ट का मतलब डू नॉट रिपीट from offering services which are hazardous in nature. Next up, to pay such sum as may be determined by it if it is of the opinion that loss or injury has been suffered by a large number of consumers who are not identifiable conveniently. It is to be noted that minimum amount of sum so payable shall not be less than 5% of the value of such defective goods sold. Ye mark kar lo beta, आपसे पैसे भरवा सकते हैं अगर कंज्यूमर्स को नुकसान हुआ है तो। कितना पैसा भरवा सकते हैं? मिनिमम अमाउंट सो पेबल शैल नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द डिफेक्टिव गुड्स। मार्क करना, जो आपने गुड्स बेचे हैं उसका 5% निकालो, कम से कम इतना जुर्माना तो भरवाना ही भरवाना है। और सर्विस प्रोवाइडेड एज द केस में बी टू सच कंज्यूमर्स, फर्दर द अमाउंट सो ऑब्टेन्ड शैल बी क्रेडिटेड इन फेवर ऑफ सच पर्सन एंड यूटिलाइज इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। 5% का कम से कम जुर्माना। अच्छा, उससे ज्यादा लग सकता है? कंप्लीटली अलाउड है, मिनिमम 5% है। और ये पैसा किसको दे देना है आपको? कंज्यूमर को देना है। अब ये कंज्यूमर की मर्जी है उसको इन गुड्स को किस तरीके से यूज करना है, आई एम सॉरी, इस कॉम्पनसेशन को किस तरीके से यूज करना है। एंड हियर कम्स द लास्ट पॉइंट ओवर दिस, टू इशू corrective advertisement to neutralize the effect of misleading advertisement at the cost of opposite party responsible for issuing such misleading advertisement. गलत advertisement किया जिसकी वजह से loss हुआ, अगर गलत advertisement किया जिसकी वजह से loss हुआ तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं? नया advertisement लेके आओ, जो पुराने advertisement में गलती हुई थी उसको correct करो और ये आपकी cost होगी जिसकी वजह से नुकसान हुआ। जैसे कि आपने टाइड और रिन का ad देखा था, ऐसा टाइड निकला उसके ऊपर से रिन निकला। मान लो कि ये एड मिसलीडिंग होता, बेटा ये एड मिसलीडिंग नहीं है, लेबोरेटरी टेस्ट से प्रूव हुआ है कि रिन इज बेटर देन टाइड, हेंस उन लोगों ने एड बनाया। पर मान लो कि ये एड गलत होता तो क्या रिन को ऐसा भी ऑर्डर दिया जा सकता था कि अब एक और नया एड बना जिसके अंदर करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे एंड आपने टाइड का जो रेपुटेशन खराब किया वो करेक्ट करो? यस, किया जा सकता था, ऐसा चलेगा। लास्ट, अच्छा तो एच पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। एच पॉइंट में आपको काम करने से मना कर सकते हैं हजार्डस नेचर का, और अगर आपने पहले काम किया है तो उसके लिए कॉम्पनसेशन दो। कम से कम कितना कॉम्पनसेशन लेंगे? 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स। एंड लास्ट अपन ने इसी के अंदर पढ़ा था कि हम लोग आपको ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपने कोई गलत एडवर्टीजमेंट्स किए जिसकी वजह से लोगों को लॉस होने वाला था, अब एक नया एड बनाओ और क्लियर कर दो इस चीज़ को। लास्ट, टू प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट कॉस्ट टू पार्टीज। इसका मतलब क्या हुआ? अरे यार, मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ ना वो 1200 रुपए का ही था, मैंने फिर भी केस किया, इस केस के चक्कर में मेरे 5-7 हजार रुपए लग गए। आपने मुझे कॉम्पनसेशन तो दिलाए, पर क्या कॉम्पनसेशन के अंदर आप मेरे को इस केस करने के लिए जितना खर्चा हुआ वो पैसा भी वसूलवा के दोगे? इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ द केस। तो क्या कोर्ट एंड में ये भी ऑर्डर करेगी कि भाई एडिक्वेट पैसे दे जितना सामने वाले बंदे का खर्चा हुआ है, ताकि बाकी कंज्यूमर्स भी मोटिवेट हों कि उनका एक रुपया भी वेस्ट नहीं होगा जब पैसे रिकवरी करने की बात आएगी। श्योर इनफ। सो दीज आर सम पावर्स अंडर 14 सबसेक्शन 1 जो आपने ध्यान रखने। अब बस लास्ट का एक प्रोविजन है अपील का, और साथ साथ में भाई अपील में कैसे चलते हैं। अच्छा, क्या अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के जजमेंट से ना खुश हैं तो कहाँ अपील करेंगे? स्टेट फोरम। स्टेट से ना खुश हैं
चाहे नेशनल जाओ, चाहे डिस्ट्रिक्ट जाओ, चाहे स्टेट जाओ, अपील करने के लिए 30 दिन का टाइम है, बात खत्म। डन, जल्दी देख लो। अग्री पार्टी बाय द ऑर्डर इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम अपील पिटिशन मे बी फाइल्ड बिफोर स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर। अच्छा बेटा, खाली यहाँ पे एक चीज समझना, आपने वर्ड यूज किया है डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर। बात समझो, ऑर्डर जिस भी तारीख को पास हुआ है इसके रिटन ऑर्डर बनते हैं, ठीक है। यूजुअली क्या होता है बेटा, जिस दिन जजमेंट आता है ना उस दिन कभी भी रिटन ऑर्डर नहीं आते, रिटन ऑर्डर उसके 2-3-4-5 दिन बाद आते हैं। बेटा ये जो 30 दिन की गिनती है ना, ये रिटन ऑर्डर जब ऑन रेडी टू सर्व है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 जनवरी को ऑर्डर आया, सुनना अब इस बात को, 1 जनवरी को ऑर्डर आया, 5 जनवरी को रिटर्न ऑर्डर अवेलेबल था आपके कलेक्शन के लिए, आपने 15 जनवरी को कलेक्ट किया, 30 दिन का टाइम कहां से चालू करो? 1 तारीख से, 5 तारीख से या 15 तारीख से? सब 5 पे हैं, कोई 15 पे तो नहीं है, 5 तारीख। 5 तारीख से आपके पास रिसीट हो सकती थी, आपने नहीं किया तो गलती किसकी? आपकी। कोर्ट ने जजमेंट तैयार रखा था। सो फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट कितने दिन का टाइम है? 30 दिन का टाइम है आपके पास केस फाइल करने का। तो मैं बस यहां पे एक बार लिख के रख लूं ताकि आपको याद रहेगा। बेटा ऐसी चीजों पे भी केस बन जाता है तो अपन ने गलती नहीं करनी। एक्स इज द डेट ऑफ ऑर्डर, X is the date of order plus after 5 days हम लोगों को उसकी क्या मिल गई? रिसीट मिल गई। जैसी रिसीट मिली वहां से लिमिटेशन पीरियड चालू हो जाएगा। कितने दिन में अपील करनी है? रिसीट प्लस 30 days में आपको अपील कर देना है, कहीं पे भी जहां आपको करना है, स्टेट काउंसिल में या फिर नेशनल काउंसिल में। सिंपल। सो अग्री पार्टी बाय द ऑर्डर इशूड बाय द स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, सॉरी अग्री पार्टी बाय द ऑर्डर ऑफ स्टेट कंज्यूमर फोरम अपील पिटिशन बिफोर नेशनल कंज्यूमर फोरम विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर। अग्री पार्टी बाय द ऑर्डर ऑफ नेशनल, अच्छा एक सेकेंड, आप इतने बड़ी दुखी आत्मा हो ना, न डिस्ट्रिक्ट फोरम से खुश हो, न स्टेट फोरम से खुश हो, न नेशनल फोरम से खुश हो, मौत नहीं आ रही तुमको, तब आगे 30 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के पास भी चले जाना। तो इधर भी थक गए ना, तो इधर के भी ऑर्डर के 30 डेज में आप कहां जा सकते हैं? सुप्रीम। और इसके बाद भी ना खुश हो ना, आप दुनिया छोड़ो, देश छोड़ो, पर यहां तो मत रहना, ठीक है? साला डब्बा खरीदा चमन प्राश का और लड़ रहे हैं ऐसे, पता नहीं क्या ही ले जाएंगे। अच्छा, ये जो पेनल्टीज आप जैसे ही पढ़ते हैं इधर पे आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद अगर आप नीचे देखो तो जिस्ट ऑफ केसेस हैं जो आगे आपके एग्जांपल्स के उसके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं, इसके ऊपर केस लॉ बन के आ सकता है। सो इसके नीचे अब सिर्फ केसेज हैं और अब ये केसेज आप खुद कल रीड करके आओगे। क्यों? क्योंकि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर ही केसेज हैं, हर केस डायरेक्टली आप कोरिलेट कर पाएंगे 100%। तो आई डोंट थिंक कि अगर ईमानदारी से कल का जो पूरा लेक्चर हुआ इसमें एक चैप्टर पैक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सिर्फ 3 पेजेस के केसेस हैं, सारे के सारे रीड करके आना एज इट इज, मॉड्यूल से उठा के डाले, एक केस भी हटाया नहीं है, ठीक है एकदम। तो कल सारे आप ही चेकआउट करके आओगे। एक सेकंड, पेनल्टीज देख लो और रवानगी पकड़ लो। सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट डील्स विद द पेनल्टीज एंड प्रोवाइड्स दैट फेलियर और ओमिशन बाय द ट्रेडर और अदर पर्सन अगेंस्ट हुम अ कंप्लेंट इज मेड और अ कंप्लेनेंट टू कंप्लाई विद एनी ऑर्डर ऑफ द फोरम स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल बी नॉट लेस देन 1 month। तो देख लीजिए इसने क्या बोला, हमने फेलियर और ओमिशन की वजह से हमने उनके खिलाफ ऑर्डर पास किया था और उन लोगों ने हमारा ऑर्डर नहीं माना, तो ऐसे केस में हम आपको जेल भेज सकते हैं। अगर आपने कोर्ट का ऑर्डर मतलब कमीशन का ऑर्डर नहीं माना तो आपको क्या हो सकती है? इम्प्रिजनमेंट। गवारो, इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है? मानते के गवारे, ठीक है। 1 month तक की जेल हो सकती है बट विच में एक्सटेंड टू 3 years, 1 महीने से लेके 3 साल तक की जेल हो सकती है, डिपेंड करेगा कि आपने कितना बड़ा उल्लंघन किया है, और विथ अ फाइन ऑफ नॉट लेस देन और विथ अ फाइन ऑफ नॉट लेस देन
2000 बट विच मे एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज, 2000 से लेके 10,000 तक का फाइन हो सकता है। अब बेटा एक बात बताना, मैंने आपको सिर्फ दो चीजें बताने जा रहा हूं, दो तरीके के ऑफेंस होते हैं, एक कंपाउंडेबल एक नॉन कंपाउंडेबल। बेटा अगर कोई भी ऑफेंस है जिसके अंदर आपको जेल होने ही वाली है चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे ऑफेंस को आप बुलाते हो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। और ऐसा केस जहां पे आपको जेल हो भी सकती है और शायद ना भी हो, इसको बोलते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। अब बेटा इधर देखो, इसने क्या लिखा, इम्प्रिजनमेंट और फाइन, जेल या फिर फाइन, तो मतलब जेल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो ये ऑफेंस क्या हो जाएगा, कंपाउंडेबल। अच्छा इधर ही अगर लिखा होता इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, नॉन कंपाउंडेबल, क्योंकि जेल भी होगी और साथ में फाइन भी लगेगा। पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा खाली फाइन लिखा हुआ होता तो कंपाउंडेबल, खाली इंप्रिजनमेंट लिखा होता तो नॉन कंपाउंडेबल, यहां तक ठीक है। तो ऐसा ऑफेंस जहां पे इंप्रिजनमेंट खाली या फिर इंप्रिजनमेंट भी लगने वाला है आप पे, ऐसा केस होता है नॉन कंपाउंडेबल। और ऐसा केस जहां पे शायद इंप्रिजनमेंट हो जाए या इंप्रिजनमेंट हो ही नहीं सकता, ऐसे ऑफेंस को क्या बुलाते हो, नॉन कंपाउंडेबल, आई एम सॉरी कंपाउंडेबल। तो बेटा ये कंपाउंडेबल है नॉन कंपाउंडेबल है, मतलब अगर आप जुर्माना भरने के लिए तैयार हैं तो हम आपको जेल नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा जेल होगी तो कितनी हो सकती है, 1 मंथ से लेके 3 इयर्स। फाइन होगा तो कितने से कितना हो सकता है, 2000 से लेके 10,000। हाउएवर ऑन बीइंग सैटिस्फाइड दैट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ एनी केस सो रिक्वायर द डिस्ट्रिक्ट फोरम और द स्टेट कमीशन और द नेशनल कमीशन मे इम्पोज अ लेसर फाइन और अ शॉर्टर टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। सेक्शन 27(3) प्रिस्क्राइब दैट ऑल ऑफेंसेस अंडर द एक्ट टू बी ट्राइड समरली। बस खाली लास्ट चीज बता देते हैं बेटा, अगर जरूरत पड़ी तो क्या इससे कम फाइन, इससे कम इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है, हो सकती है। कंप्लीट पावर है नेशनल कमीशन का, स्टेट कमीशन का या फिर डिस्ट्रिक्ट फोरम का कि आपको जितना फाइन लगाना है लगाओ, जितना कम इंप्रिजनमेंट करना है करो, हम बीच में नहीं आएंगे। लास्ट चीज, इस केस के अंदर सेक्शन 27(3) कहता है कि ये जो पूरा केस है उसको आपको कैसे डील करना है, समरली। समरली का मतलब क्या होता है बेटा, जल्दी। समरी ट्रायल का मतलब क्या होता है, अ फास्ट ट्रायल, जल्दी 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 एविडेंसेस को बुलाओ, जल्दी जल्दी रिजल्ट लाओ। अच्छा आप खुद देख लो, अपन ने पीछे का प्रोसीजर पढ़ा, देख लो 45 दिन के अंदर जजमेंट आ रहा है, 21 दिन में एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, 30 दिन पार्टी दी, 3-4 महीने में तो आपको जजमेंट दिलवा के खत्म कर देते हैं, क्या मतलब हुआ इसका, समरी। तो ऐसा ट्रायल जो एक साल के अंदर ही खत्म हो जाए इसको आप क्या बुलाते हो, समरी ट्रायल बुलाते हो। तो सारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर के केसेस को कैसे डील करना है, समरी ट्रायल की तरह डील करना है, एक साल के अंदर खत्म करना ही करना है, यहां तक ठीक। सो दिस फिनिशिंग ऑफ योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, द चैप्टर इज नॉट कमिंग टू एन एंड बट द कंटेंट इज ओवर, कल सिर्फ केसेस डिस्कस करेंगे।